हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो A17K 5G फ़ोन है, तो ओप्पो A17K 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप स्क्रीन सेवर ऑप्शंस के ज़रिए इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि स्क्रीन सेवर ऑप्शंस के ज़रिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कैसे कर सकते हैं ओप्पो A17K 5G फ़ोन में और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं। सिंपली आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपके पास डिस्प्ले सेटिंग्स शो हो रही है। सिंपली डिस्प्ले सेटिंग्स पे शो करके आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। देखते हैं कि यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन आया था, इसके ज़रिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर पाएंगे और एनिमेशन वगैरह को लॉक स्क्रीन पे लगा सकते हैं। सिंपली ऑन करते हैं तो एनिमेशन वगैरह आपके लॉक स्क्रीन पे शो हो जाता है इस तरीके से, या फिर यहाँ से कोई भी कलर एनिमेशन वगैरह भी आप शो कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कलर एनिमेशन शो हो जाएगा। या फिर आपके पास फ़ोटो फ्रेम, फ़ोटो टेबल एंड फ़ोटोज़ का एनिमेशन भी शो होता है, जिसमें आप एनिमेशन को सेट करते हैं। यहाँ पर अभी कोई भी एनिमेशन शो नहीं हो रहा है फ़ोटोज़ का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अलाउ करके फ़ोटोज़ को इसमें अलाउ कर सकते हैं और इसमें ऐड करके यहाँ से एनिमेशंस को फ़ोटोज़ में शो कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से फ़ोटो एनिमेशंस आपके फ़ोन में शो करेगा। तो इस तरीके से भी एनिमेशंस को फ़ोटोज़ के ज़रिए लगा सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं अपने ओप्पो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।